हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके तुरंत बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो होने वाला है अच्छा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। दोस्तों, पहला पॉइंट जो है, क्वेश्चन है कि अभिनव गुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो दोस्तों, जो बेस्ट विकल्प है उसमें से अभिनव गुप्त द्वारा जो ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम है अभिनव भारती। इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों, सभी को मालूम होगा कि ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आनंद वर्धन थे। इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट कि आनंद वर्धक का अर्थात आनंद वर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। दोस्तों, ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ध्वनियालोक। ध्वनियालोक आनंद वर्धन का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट कि ध्वनियालोक लोचन नामक टीका किस विचारक ने किया। दोस्तों, ये जो ध्वनियालोक लोचन नामक टीका है, इसका जो विचारक थे वो अभिनव गुप्त थे। इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद वर्धन के मतानुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग भूल करते हैं। जो आनंद वर्धन ने जो अपने सिद्धांत व्यक्त किए थे उसमें उन्होंने काव्य सौंदर्य की जो आत्मा का जो वर्णन किया था और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ माने थे उसको रस को माने थे। इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। यहां ध्यान दीजिएगा, कितने लोग कह सकते हैं कि सर लय हो सकता है, लेकिन लय नहीं है। जो लय होती है वो चित्र की आत्मा को कहती हैं, लेकिन यहां पे काव्य सौंदर्य की बात किया जा रहा है। तो काव्य सौंदर्य में जो आनंद वर्धन ने जो बताया था वो काव्य सौंदर्य की जो आत्मा बोली जाती है वो रस को मानी जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि के कितने प्रकार हैं। जी दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि आनंद वर्धन ने जो ध्वनि के सिद्धांत का विवेचन किया था उन्होंने तीन प्रकार के ध्वनि का विवेचन किया था। काफ़ी स्टूडेंट को क्लिक करेंगे साइंस के ध्वनि को, बट हमें साइंस के ध्वनि को जहाँ पे चार भागों में डिवाइड किया जाता है, तो आप लोग ऐसा गलती न करिएगा। यहाँ पे जो ध्वनि का सिद्धांत है वो आनंद वर्धन के दिया गया सिद्धांत के आधार पर यहाँ पे पुटअप हो रहे हैं क्वेश्चन। तो ध्वनि के सिद्धांत को आनंद वर्धन ने तीन प्रकार से डिवाइड किया था और उन्होंने ध्वनि के सिद्धांत को जो डिवाइड किया था वो थे वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि और अलंकार ध्वनि। तो इसलिए ध्वनि के कितने प्रकार हैं, तो ध्वनि के तीन प्रकार होते हैं जैसा कि आपको बता दिया गया है। इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए उसी का विवेचन, आनंद वर्धन ने किस ध्वनि को श्रेष्ठ कहा। जी दोस्तों, आनंद वर्धन ने जो ध्वनि को श्रेष्ठ कहा था वो थी रस ध्वनि, और इसी रस ध्वनि को काव्य का आत्मा कहा जाता है। इस बात को गौर कीजिएगा। इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट कि रस दीप्ति के रचनाकार हैं।
दोस्तों जो बेस्ट ऑप्शन है, रस दृष्टि की जो रचनाकार माने जाते हैं वो आनंद वर्धन को माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है जी दोस्तों, यह किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है, इसको कहने वाले प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री सुसान लैंगर को माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? सबको मालूम है कि फादर ऑफ एस्थेटिक्स वाम गार्टन को कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी। वाम गार्टन प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं जी दोस्तों? सौंदर्य के जो पक्ष माने गए हैं वो दो पक्ष माने गए हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट कि किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में कल्पना की गई है? तो दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में जो कल्पना की गई है वो भारतीय कला में भी देखने को मिलती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। और इसी के आधार पर भारतीय कला में काफी विवेचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कला लोकप्रिय होने के कारण प्रमुख मानी जाती है? जी दोस्तों सभी कलाओं में जो सबसे फेमस कला मानी जाती है, जैसे जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो चित्रकला, ये ऐसी एक कला मानी जाती है जो सभी कलाओं में लोकप्रिय कला मानी जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट कि कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधन किया गया है? तो कामसूत्र में चित्रकला को आलेख अर्थात आलेख नाम से संबोधित किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि थेरा थेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो सबको मालूम है कि थेरा थेरी गाथा जो नामक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट कि पत्थर पर जमा हुआ आंसू कहा जाता है? तो पत्थर पर जमा हुआ आंसू ताजमहल को कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, और इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में मुंबई में की गई थी, और इसको इसके जो संस्थापक थे सर जमशेद जी टाटा को माना जाता है। और जो इसके प्रथम प्रिंसिपल थे वो बेस्ट ऑप्शन होगा लॉकवुड किपलिंग, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जी दोस्तों जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जब कला विद्यालयों की स्थापना हुई थी तो वो चार विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो था जिसकी स्थापना 1850 ईस्वी में मद्रास में की गई थी, और नेक्स्ट सेकेंड थो वो कलकत्ता कला विद्यालय, और कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी, इसलिए बेस्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट कि मुर्गी की लड़ाई किस कलाकार ने बनाया? सबको मालूम है कि मुर्गी की लड़ाई को भारत के प्रसिद्ध कलाकार के हैबर के द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल में दुर्भिक्ष का समय क्या था? दोस्तों दुर्भिक्ष मतलब अकाल होता है, और ये बंगाल में दुर्भिक्ष बहुत ही कटु आलोचना का विषय बना था, और इसमें कितने भारतीयों को अपनी बलिदान भी देनी पड़ी थी, और ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीति थी। दोस्तों जो बंगाल में दुर्भिक्ष का जो समय माना जाता है वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है, और अर्थात 1943 ईस्वी में बंगाल में दुर्भिक्ष का समय था,
लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो नियरेस्ट मान होगा वो 1941-42 इज करेक्ट आंसर, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कला एवं स्वदेशी पुस्तक है इसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिल्प गुरु तथा कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है। सबको मालूम है कि शिल्प गुरु तथा कला गुरु के नाम से अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट कि अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने। जी दोस्तों, अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल 1905 ईस्वी में बने थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवनी बाबू ने कितनी पुस्तकें लिखी। तो दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर ने लगभग 20 पुस्तकें लिखी थी ऐसा माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर कंफ्यूजन होता है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, भारत भवन संग्रहालय जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसके संरक्षण में हमजा नमा का चित्रांकन हुआ। दोस्तों, जो हमजा नमा का चित्रांकन हुआ था वो अकबर के शासनकाल में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो सबको मालूम है कि आर के लक्ष्मण भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्तु विद्या और सृजन के देवता हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तु विद्या और सृजन के देवता विश्वकर्मा जी को माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वारली भित्ति चित्र किस राज्य में है। तो वारली भित्ति चित्रण जो बहुत ही फेमस है वो महाराष्ट्र की मानी जाती है, ये करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है। तो दोस्तों, इस पेंटिंग को इंग्रेज ने निर्मित किया था, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। तो दोस्तों, ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से लर्न करिएगा और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।